हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कैसे आप गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो वैसे तो ये वीडियो दोस्तों पहले आ जानी चाहिए थी, 1-2 महीने पहले। ये लगभग जनवरी जनवरी में तो नहीं दोस्तों, फरवरी या मार्च में आ जानी चाहिए थी वीडियो, क्योंकि तभी से जो गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के एडमिशन है वो शुरू हो गए थे। तो मेरे एग्जाम चल रहे थे दोस्तों, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो इस वजह से अब वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ आपको एक एक जो एडमिशन का प्रोसेस रहता है, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप्स अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप जो है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप्स। इस वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्रेशन से लेके आपके क्लासरूम में बैठने तक की एक एक स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे आप जो है रजिस्ट्रेशन से लेके क्लासरूम तक एंट्री ले सकते हैं गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में। तो बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। एडमिशन प्रोसेस जानने से पहले दोस्तों एक चीज आपको जानना बहुत जरूरी है कि वो है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की। तो दोस्तों वैसे तो मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ गलगोटियाज यूनिवर्सिटी का, तो मैं भी बात कर लेता हूँ गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में जो बीटेक कोर्स है उसकी एलिजिबिलिटी की। बाकी की एलिजिबिलिटी के लिए, बाकी कोर्सेज की एलिजिबिलिटी के लिए आप गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहाँ पे विजिट करके आप देख सकते हैं कि और भी कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्या है। वैसे जो प्रोसेस है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का वो सेम है सभी कोर्सेज के लिए, बस एलिजिबिलिटी है वो थोड़ी सी मतलब डिफरेंट है थोड़ी सी। किसी में एग्जाम के थ्रू होता है और किसी में डायरेक्ट एडमिशन होता है। बीटेक कोर्स जो है इसमें आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी की बीटेक की। तो जो बीटेक में एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में वो ये है कि आपकी जो पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 12th में जो सब्जेक्ट रहते हैं उसमें आपके 60% होने चाहिए। कुछ लोगों को डाउट रहता है कि जो भैया जो 60% है वो ओवरऑल होने चाहिए या पीसीएम है। तो मैं क्लियरली बता रहा हूँ आपको कि जो पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है इन सब्जेक्ट में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि ओवरऑल होने चाहिए या 60% जो आपके पीसीएम में होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये जो है एलिजिबिलिटी है। और एक बात और दोस्तों, कुछ लोगों का डाउट रहता है कि भैया मैं जो है सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लूंगा तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, या फिर जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन लूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा। दोस्तों इससे फर्क पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि आपकी जो फीस है कोर्स की उसमें आपका कुछ अमाउंट जो है वेव ऑफ हो जाएगा, आपको स्कॉलरशिप लग जाएगी कुछ अमाउंट की। उसी अमाउंट में से जो आपकी फीस जाएगी उसमें से कुछ अमाउंट आपका वेव ऑफ हो जाएगा अगर आप सीयूईटी या जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और आई होप ये जो आपका एलिजिबिलिटी वाला जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है एडमिशन प्रोसेस उस पर बात करते हैं। स्टेप बाय स्टेप से बताता हूँ आपको कि कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 जो रहता है आपका वो रहता है आपका रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना रहता है आपको वेबसाइट गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की, जो वेबसाइट है जो मैं नीचे दे दूंगा, यहाँ पे आप जो विजिट करके आपको सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहता है वो भरना रहता है आपको। फ्रंट जो जैसे ही आप वेबसाइट पर एंटर करेंगे वहां पे आपको जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो मिल जाएगा। वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है जिसकी फीस आपकी होती है, पिछली साल जो थी फीस वो 1100 रुपये थी, इस बार जो है 100 रुपये फीस बढ़ा दी गई है, 1200 रुपये हो चुकी है। वैसे मैंने ये जो फीस है कुछ दिन पहले, लगभग 15-20 दिन पहले देखी थी, आप दोबारा से विजिट करके देख सकते हैं कि जो फीस है रजिस्ट्रेशन की वो कितनी है। तो आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, सबसे पहले जो आपका नाम वाम जो जो भी डिटेल्स रहती है आपकी पर्सनल डिटेल आपकी मांगी जाएगी, सिर्फ फॉर्म फिल करके आपको सबमिट कर देना है, जो फीस पेमेंट करेंगे आप उसके बाद सबमिट कर देना है। देन आपका जो स्टेप 2 रहता है वो रहता है आपका ऑफर लेटर। ऑफर लेटर में भी बहुत से बच्चों को डाउट होता है, बहुत से दोस्तों को मेरे डाउट होता है कि जो ऑफर लेटर भैया वो कितने दिन में आता है। बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि भैया अभी नहीं आया ऑफर लेटर, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए। तो आपको मैं इस पे भी सारी एक एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जो ऑफर लेटर है वो आपका मैक्सिमम टाइम आने का रहता है वो 15 दिन रहता है। वैसे 5 दिन या 7 दिन में ऑफर लेटर आ जाता है, मैक्सिमम टाइम जो रहता है आपका 15 दिन रहता है। तो आप घबराएं ना, आप वेट कर लें 15 दिन का मैक्सिमम, कम से कम 15 दिन से पहले आपका आ जाएगा जो ऑफर लेटर है। और इस ऑफर लेटर में आपकी सारी डिटेल्स मेंशन रहती हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, और क्या क्या कैसे आपकी फीस जाने वाली है, कितनी आपकी फीस जाएगी, और आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं फीस, एक एक स्टेप्स जो है क्लियर रहते हैं उस ऑफर लेटर में लिखे रहते हैं।
बाकी अगर आपको और ज्यादा जानना है तो आप, मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं कि वीडियोस क्या नाम आपका क्या नाम एडमिशन डॉक्यूमेंट जो क्या लगते हैं वो भी, इस पर भी वीडियो बना रखी है मैंने, और फीस पेमेंट कैसे करनी है उस पर भी वीडियो बना रखी है। तो ज्यादा लंबी ना खींचते हुए इस वीडियो को, तो आगे फर्दर प्रोसेस वो बताता हूँ मैं, आप कैसे जो है आप एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो आपका जो ऑफर लेटर आ जाता है उसके बाद आपको जो पेमेंट करनी रहती है 25,000 की, स्टेप नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो आपको 25,000 की फीस पेमेंट करनी रहती है सीट रिजर्व करने के लिए। वैसे तो आपको बता दूं गलुडिया यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो इसमें एडमिशन जो है होते ही रहते हैं, अच्छा खासा इनटेक है बीटेक के स्टूडेंट्स का, तो आप ये चिंता ना करें कि सीट जो है वो भर जाएगी। इसलिए जो सीट रिजर्वेशन अमाउंट है, सीट बुकिंग अमाउंट है, ये पता नहीं किस वजह से लेते हैं, वैसे सीट तो इसमें अच्छी खासी है, तो आप घबराए ना कि जो एडमिशन जो है या फिर जो सीट्स हैं वो फुल हो जाएंगी। तो सब इसके बाद आपको जो है 25,000 पे करने रहते हैं। 25,000 जब आप पे करेंगे तो इसमें भी बहुत से लोगों को दो डाउट रहते हैं कि भैया जो 25,000 है हम ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जो आपके दोनों जो मेथड्स हैं वो एकदम सेफ एंड सिक्योर हैं। जब आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे या घर से पेमेंट करेंगे तो एक ये दिक्कत है कि आप, दिक्कत तो नहीं कह सकते, मतलब ये काम आपका बाद में भी हो सकता है, जो आपका रजिस्ट्रेशन है फॉर्म के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन है वो उसी टाइम हो जाता है जब आप 25,000 पे करते हैं। आपको फॉर्म दिया जाता है जब आप ऑफलाइन आते हैं, आपको फॉर्म दिया जाता है, आपको फिल करना रहता है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के सबमिट करने रहते हैं, और इसी टाइम आप चाहें तो अपना आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। 1,000 रुपये पेमेंट रहती है आईडी कार्ड बनवाने की। इसी के साथ आपको जीओआई क्लाउड जो जिसमें सारी डिटेल्स आपकी मेंशन रहती है, क्लासेस व्लासेस, अभी तो आपको जब नया एडमिशन रहता है तो इसमें चीजें अपडेटेड नहीं रहती हैं, क्लासेस व्लासेस ये समय के साथ अपडेट होती हैं, आपका फर्दर जब क्लासेस शुरू होती हैं तब ये चीजें अपडेट होती हैं आई क्लाउड में। तो जो जियो आई क्लाउड है इसके क्रेडेंशियल आपको मिल जाते हैं जब आप एडमिट कार्ड बनवाते हैं, आपका आईडी और पासवर्ड मिलता है, इससे आप लॉग इन कर सकते हैं जियो आई क्लाउड में 25,000 पे करने के दौरान। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट क्लियर हो गया स्टेप नंबर 3 कि आप जो है 25,000 पे कैसे करेंगे। और अब बात करते हैं 25,000 के बाद जो आपकी रिमेनिंग फीस है, जो आप रिमेनिंग फीस रहती है वो आप कभी भी कर सकते हैं। एक ड्यू डेट रहती है जो आपकी ऑफर लेटर में मेंशन रहती है कि इस डेट से पहले आपको जो है जो रिमेनिंग फीस है वो सबमिट करनी रहती है, वरना उसके बाद आपकी पेनल्टी लगती है। वैसे जब मैंने एडमिशन लिया था उसमें भी एक डेट मेंशन थी, उसके बाद भी कई बच्चों ने जो है रिमेनिंग फीस पेमेंट की थी, पता नहीं उनकी पेनल्टी लगी या नहीं लगी। वैसे मेरे हिसाब से नहीं लगी थी क्योंकि मैंने कुछ बच्चों से पूछा था, नहीं लगी थी, और हो सकता है इस बार लगे या ना लगे मुझे आइडिया नहीं है। दोस्तों आप ट्राई करें जो आपकी फीस है वो ड्यू डेट से पहले करवा दें रिमेनिंग फीस। ठीक है दोस्तों, मुझे पसीना आ रहा है थोड़ा सा क्योंकि गर्मी है, तो अभी जो है रिमेनिंग फीस आप सबमिट कर देंगे और फिर आपका जो एडमिशन है वो लगभग लगभग क्या कंफर्म ही हो जाएगा क्योंकि आपने जब फीस जमा कर दी है। अब इसके बाद आपको मेल आएंगे, सिर्फ आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, अब आपको जो मेल आएगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी के थ्रू या आप कैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी की साइड से आपका जो ओरिएंटेशन है या रजिस्ट्रेशन आपका कब होगा। रजिस्ट्रेशन से मेरा मतलब है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन, आपका ये जो एडमिशन का रजिस्ट्रेशन ये तो हो चुका है आपका, फिर गलगुडिया यूनिवर्सिटी की आप तरफ आप उनकी तरफ से आपको मेल आएगा कि आपको कब आना है ओरिएंटेशन के लिए। ये सितंबर या अक्टूबर में आपका जो ओरिएंटेशन है वो रहता है, और आप ओरिएंटेशन ख़त्म करके, आपकी जब ओरिएंटेशन ख़त्म हो जाएगी इसके बाद आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आई होप ये अक्टूबर में, सितंबर ओरिएंटेशन जो 2-3 दिन का रहता है उसके 4-5 दिन बाद या 6-7 दिन बाद आपकी जो है क्लासेस शुरू हो जाती हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर की। ओरिएंटेशन से पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसमें आपके दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी चीज़ें सारी ली जाती हैं, आधार कार्ड वधार कार्ड लेके आपका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, एक फॉर्म मिलता है, मैंने भी करवाया था, उसमें सारी डिटेल्स आपकी रहती हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन करना रहता है उसमें, और फिर आपका जो है क्लासेस शुरू हो जाती हैं दोस्तों। और यहीं था, यहीं तक था जो प्रोसेस है एडमिशन का। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अगर आपका कोई भी और डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप ये बताइए मुझे कि एक मुझे व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करने की जिसमें आपके जो सीनियर्स हैं वो भी होंगे, जिनसे आप डाउट्स जो है आपके वो क्लियर कर सकते हैं, और मैं भी रहूँगा उस ग्रुप में।
तो अगर मेजोरिटी लोगों का कमेंट रहता है कि भैया होना चाहिए तो मैं कर दूंगा। वैसे टेलीग्राम जो ग्रुप है वो बना हुआ है, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं कम कम विजिट कर पाता हूँ उधर साइड जाने की, क्योंकि थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, तो इस वजह से उधर टेलीग्राम की साइड विजिट नहीं कर पाता हूँ। कुछ मैसेज बच्चों के रहते हैं, कुछ दोस्तों के रहते हैं, तो वहाँ नहीं देख पाता हूँ। तो व्हाट्सएप पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ थोड़ा सा। तो अगर आप कहेंगे तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, जिसमें आप कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है हमेशा 24/7, तो आप जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को बिना लंबी करते हुए करते हैं इसी वीडियो को विराम, और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और बस दोस्तों, जय हिंद। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू दोस्तों।